छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बिजली कटौती पर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। विधानसभा सत्र से पहले शुरू हो रहे इस आंदोलन के लिए कांग्रेस ने आखिर बिजली के मुद्दे को ही क्यों उठाया है, क्या है निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का प्लान, इस खास रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक दे चुका है, रिमझिम बारिश के बीच किसान धान की बुआई में लगे हैं, लेकिन बिजली कटौती किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। कांग्रेस विधानसभा सत्र से पहले इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। 8 जुलाई को कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन, अघोषित बिजली कटौती को बनाया मुद्दा, बिजली की बढ़ती दरों का भी करेगी विरोध, विधानसभा सत्र से पहले होगा बड़ा आंदोलन, प्रदर्शन में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। पीसीसी ने विधायकों पूर्व विधायकों को दिए निर्देश। कांग्रेस ने आंदोलन के लिए बिजली कटौती का मुद्दा चुना है, कांग्रेस नेता इसे लेकर हमलावर हैं। हम सरप्लस राज्य छत्तीसगढ़, उसके बावजूद भी बिजली हम महंगा दे रहे हैं, ये सरकार की नाकामी है। हमारी सरकार रहने के बाद बिजली बिल हमारी सरकार ने आफ की, उसका 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को मिला, लेकिन आखिर ये सरकार इतनी नाकाम क्यों, मजबूर क्यों कि उस बिजली बिल को इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया, ऊपर से रेट बढ़ाकर उनके सिर में बोझ लाद दिया। हम लोग चाहते हैं कि बिजली पुरानी तरह से सिस्टम ठीक रहे, इसके लिए हम पूरे प्रदेश स्तर में आंदोलन करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली। बिजली कटौती पर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही कांग्रेस प्रदेश में अब किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस की इस तैयारी पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। जो लोग 5 साल जनता की चिंता नहीं करे, बिजली की चिंता नहीं करे, छूट देकर पीछे से वसूली करना, 2500 रुपए देकर लोगों का रकबा काटना, तो चीटिंग जिसको कहते हैं, वो काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। तो मुझे लगता है एक असफल प्रयास है, करें, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, प्रदर्शन करें, लेकिन अब उसका प्रभाव, क्योंकि 15 साल के बाद 5 साल कांग्रेस को मौका दिया गया था, लेकिन घोषणा पत्र के आधार पर कोई काम उन्होंने नहीं किया, जनता को केवल ठगा, इसीलिए केवल 5 साल में बाहर हो गए। हम 15 साल, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया था, लेकिन ये 5 साल में बाहर हो गए, तो मुझे लगता है इनका कोई प्रभाव नहीं होना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बैक टू बैक हार की हताशा से उबरने की कोशिश कर रही है, ऐसे में बिजली कटौती और बढ़ते रेट को लेकर आंदोलन कितना प्रभावी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन से कार्यकर्ता जरूर एक्टिव होंगे, जो नगरीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी के लिए अच्छा संकेत होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। 15 साल के बाद एक बार फिर से बिलासपुर में महापौर का पद महिला के लिए आरक्षित होने की उम्मीद है। हालांकि आरक्षण रोस्टर के हिसाब से ओबीसी और महिला दोनों की संभावना बनी हुई है। इन सबके बीच बिलासपुर की